हमारे को बहुत तड़फ रहे हैं, बहुत तड़फ रहे हैं, लाख क्या कहते हैं, श्वास श्वास हम तड़फ रहे हैं। हमारे को जल्दी से जल्दी दर्शन दें और सरकार के पास अपील है कि हमारे गुरु को जल्दी भेजे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहाँ पर जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत करके जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग डेरा सच्चा सौदा संस्था में आते हैं, क्या इन लोगों का कहना है। जो मुद्दा पंजाब में चल रहा है धर्मों को लेकर, क्या है असली सच, वो उन लोगों से भी जानते हैं जो फैक्ट हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था का, सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा का। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? राजकोर 45 मेंबर स्टेट। मैम आप खुद एक जिम्मेवार मेंबर भी हो, आप कितने समय से आश्रम को जानते हो डेरा सच्चा सौदा को? मैं 35 साल से जानती हूँ। 35 सालों से आप जानते हो मैम, 35 सालों से आप आ रहे हो, आपने देखा है संत जी को भी इतने समय से। धर्म की बात की जाए तो डेरा सच्चा सौदा किस धर्म को मानता है? सर्व धर्म संगम सबको मानते हैं पिताजी, सबको सारे नहीं मंदे आ गया, शुरू तो लग के होने तक कदे भी धर्म का विरोध नहीं किया पिताजी ने। साढ़े ने हमेशा कहते हैं अपने धर्म में मनते रहो, साढ़ा सारे एक धर्म है, मुसलमान हिंदू पंजाबी सरदार जट सिख सारे एक छत के थले ही आते हैं। कदे सुनी तुसी सुनिया होवे किसी धर्म जा किसी व्यक्ति दे लई संत जी ने अलग तरीके ना गल कीती होवे? नहीं जी, कदे अलग तरीके ना, कर सब नू इकट्ठा बिठा के एको जिहा ही पाठ पढ़ाते आ, एको जी शिक्षा देंदे आ, एको जिहा ही सब नू प्रेम प्यार सिखाउंदे आ। शहन शाह ने रहमत की, असी सरदार हुंने आ, रोड़े सरदार जद्दी सरदार जिहड़े असी गुरु ग्रंथ साहिब नू मंदे आ, असी गात्रा भी पाने, मेरे जेठ देर सारे ने ग्रंथ पाया, पर मेरे परिवार पेके वालों मेरी माँ प्यो ने परिवार ने उन्होंने उन्होंने एक जट्टा का सिख सी बारले पासे, उन्होंने पिंड के बहर उन्होंने पता लगा सी कि सच्चा सौदा धर्म है तो भाई उतो नाम मिलता है। फिर मेरे भरा राजस्थान रहिंदा सी, पहले वो लैके आए, फिर माँ ने लिया, मैं कहा मैं तो अमृत चकूँगी। माँ कहती सी मैं तेन वो गुरु मिलाऊँगी जोड़ा रब का काम करूँगा। फिर मेरी माँ इतने शनिवार को ले आते तो मैनू बाहर बिठा के पूरे गुरु का दर्शन कराते, गेट तो बाहर बैठते सी, कदे अमरूद लै लिया, कदे कोई चीज़ लै लिया, कहीं शहन शाह से लैके जाते जावे आप। शहन शाह जी दरवाजा खोल के कदे खिड़की खोल के दर्शन भी देंगे तो वो जी चीज़ लैके सत्कार न लै लेंगे, फिर सानू अद्धी वापस मोड़ देंगे शहन शाह जी। इस तरह करके मालक गुरु परीक्षा लेंदा, पर असी गुरु की अपनी परीक्षा ली। मैं कहा मैंने गुरु नानक साहब जी महाराज के आंदे दर्शन होन तो फिर मैं नाम लूँगी, इदा मैं नहीं लेंदी। जो परम पिता जी सी मेरे, मैं कोलू बैठ के नाम दान लिया, माँ ने लिया और संगत भी सी, पर मैनू पहले नाम का पता सी। क्यों पता सी? मेरी भरजाई वड्डी ने लै रखा सी, उन्होंने मैंने दस्या होया सी। फिर मैं संगत ने दस्या, मेरे सतगुरु ने मैनू नाम दिता, मैं नाम की बख्शीश ली शहन शाह कोलों, शहन शाह ने मैनू नाम दान दिता। उस तो बाद असी सारे जुड़ गए। जो हजूर पिता जी बैठे तो मैंने इंज लग्या, मैं हजूर पिता जी बैठे की पता गुरु नानक तप्पा ने कि वैसे ही है गुरु ये आके बैठे। फिर मैं उन्होंने परीक्षा ली, उन्होंने मैनू लैनी सी, पर मैंने गुरु नानक साहब के पीले कपड़े दर्शन की दिते शहन शाह ने, और हाथ से एक ओंकार लिखा हुआ सी। मैं सजदा किया, मैं कोट कोट प्रणाम किया, हे मेरे शहन शाह दात्या, पता नहीं असं कदों के तेरे को विछड़े सी, मेरे शहन शाह दात्या तुसी सानू मिला लिया। इस तरह शहन शाह साढ़े सारे परिवार को सारी दुनिया को एक छत तले तो लैके आओ, मेरे शहन शाह दात्या, हे मेरे शहन शाह दाता, ये पूरा गुरु नानक तप्पा है। आप बाद बहुत पछतावे कि इस गुरु ने असं की किया, इस गुरु ने अज भी सजदा करो, ये मेरे दो जहाना का मालक है, मैंने सतगुरु ने सब कुछ दिखाया, इत्थे वाला भी तो उत्थे वाला भी, इत्थे भी ये मेरा शहन शाह उ गुरु नानक तप्पा है तो उत्थे भी उ है, तो ये मेरे शहन शाह शाह मस्ताना शास्तनाम शाह गुरमीत सिंह एम एस जी एक चीज़ है, तो सतगुरु दाते सानू चरणों नाल ओढ़ निभा देने शास्तनाम। असी कहिंदे शास्तनाम शास्तनाम किवें आऊगा, पर सानू गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहिब ये लिखा हुआ सी मालक एक ते रूप अनेक। मैं ये सोचती रहिंदी सी कि पता नहीं ये की चीज़ है, पर जदों मैं नाम लिया मेरे शहन शाह दे मैनू दर्शन होए, दर्शन किए मेरे शहन शाह दे, मेरा सतगुरु दाता रूप तो एक सी, मालक तो एक सी, मैनू पता नहीं किन्ने रूपां च दर्शन दिते, मैं कह नहीं सकती, उनका बयान नहीं कर सकती। हे मेरे शहन शाह दात्या सानू चरणां नाल ओढ़ निभा देवें, सारी दुनिया नू
सारी दुनिया नू एक छाते तले ले आना सहनशाह आप भी लिया सकते हो मेरे पिता जी। शास्त्र नाम साढ़े कोल किन्नियां भी गलतियां हुई गुनाह हुई मेरे सहनशाह पिता जी, सानू साढ़े परिवार नू सारिया नू माफ़ कर देना मेरे सहनशाह दाते आ। तो उन्हें की लगता भी सारे धर्मों का सत्कार संत जी करते हैं? सारे धर्मों का सत्कार करते हैं मेरे सहनशाह पिता जी, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कोई छोटी जाति सब नू ब्लड देंगे ने पिता जी, कहते सारे का खून जो सर सिख है तो मुसलमान है एक दूसरे का खून तो अलग अलग नहीं है, एक खून है एक जात तो असं आने हैं एक साडा मजहब है एक भी असी सब सतगुरु के बच्चे हाँ असी एक हाँ एक बन जाइए। शहनशाह सानू एक बना के रखे मेरे सतगुरु दाता साढ़े ते रहमता करी रखन पिता जी, इन्ना दिता सतगुरु ने सानू इन्ना दिता असी कुछ भी नहीं सी साढ़े को 500 रुपया लेंदे सी जो असी मेरी मंगनी हुई शादी हुई तो ये 500 रुपया लेंदे सी, ये पंजाब लगे हुए सी रेडियो का काम करते रेडियो के मिस्त्री सी, हुण शहनशाह मेरे सतगुरु ने सानू इन्ने इन्ने शोरूम दिते ने गाड़िया ने मकान असी उन्हों का कोई बयान नहीं कर सकते, इन्हों गठिया वा होया मेरे सतगुरु शहनशाह ने सानू असी इन्ना इलाज किया, पर मेरे सतगुरु ने असी ना किसी ने दसिया कि किसी को जाओ राजस्थान चो झाड़ा रखता अपना हनुमान का चेला है तो मैं कहा आप नहीं जाना आप इतने रखना बहना भी आ गया इन्हों के वीर भी आ गए, कहते ने मंदी नहीं अपना मना दी, मैं कहा भाई तुहाडे कोल ठीक होंदा तो लै जाओ। फिर असी उत्थे गए वो भाई कहिंदा भाई मैं ठीक तुहानू नहीं कर सकता ठीक तो तुहाडा गुरु ही करूगा, जिहड़ा तुहाडा गुरु है कच्ची कंध चला के ते तुहानू चला दित्ती कच्ची कंध ते मेरे कोल उहदा झाड़ा नहीं है तुसी अपने गुरु कोल ठीक होवोगे। फिर असी उत्थों चल पए, चले तो असी श्री गुरु सर मोडिया आए, श्री गुरु सर मोडिया पिता जी ने कैंटर के उत्ते स्टेज सजा रखी सी, शहनशाह ने सानू अगों वाले खड़े सी पहरेदार सेवादार वो कहते हैं भाई अजे नहीं जाना कल नू मिलियो, मैं कहा अज तो सानू मौका है कल नू कौन जान देगा सानू अज जान दो, पर वो नहीं मने साढ़े सतगुरु शहनशाह ने दूरू देख लिया भाई हरियाणे वाले आए ने अगे आन दो भाई इन्हों तो जल्दी भेजो इन्हों, सानू शहनशाह ने अंदर बुलाया सानू सतगुरु ने प्रसाद दिता छाती नाल लाया सानू पिता आखन लगे बेटा तुसी हरियाणे चो आयो तो असी भी तुसी इत्थे रुकोगे ना असी भी रुकांगे, तो फिर आप फिर सानू पिता जी ने प्रसाद ये गल कह के पिता जी ने प्रसाद दी, फिर पिता जी ने कहना बेटा कल ही मिलायो असी फिर दूजे दिन फिर कल मिले मजलस सानू तो किसी ने दसिया नहीं शहनशाह मैं खड़ी हो गई। पिता जी कहते हाँ बेटा तुसी बहुत सियाने हो बहुत अच्छे नेक हो, मैं कहा पिता जी साढ़े घर आना आखे हाँ भाई हाँ आवेंगे, एक भैन कहन लगी पिता जी कोई कदे साढ़े घर भी आए कद रूढ़ी असी पिता जी कहन लगे बेटा तुसी रूढ़ी हो तुसी दो चाना दे मालक दे बच्चे हो तुसी रूढ़ी नहीं हो, पिता जी ने जोर दी आवाज दिता मेरे शहनशाह ने, पर मैनू पिता जी ने बहुत आशीर्वाद दिता सारे परिवार नू आशीर्वाद आस्था विश्वास अज भी बने हुए। मैडम जो हम मुद्दा चल रहा पंजाब च लैके आरोप लगाए जा रहे संत जी के उपर धर्मां नू लैके उस मामले की कहना चाहोगे? मेरे पिता जी बिल्कुल भी नहीं इस गल आ सकते, मेरे सतगुरु पूरे सच्चे ने कदे धर्म सारे धर्मों का सत्कार करते हैं झुक के करते हैं, सानू तो कहना ही नहीं आता पहले वाहगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं इन्हें सत्कार नाल बोलते हैं असी तो बयान ही नहीं कर सकते उन्होंने जबान, साढ़े को तो एक अक्षर नहीं जरा बयान करिए कि पिता जी के बारे च कोई पिता जी कोई गलत कह दे, पिता जी हमेशा सच बोलते हैं हरेक धर्म का सत्कार करते हैं हरेक धर्म का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब दी सुनते हैं सब दियाँ झोलियाँ भरते ने किसी ने वांझा नहीं भेजते, डंगर पशु पक्षियों की उन्होंने भी संभाल करते हैं कहते उन्होंने भी इलाज करो सवेरे उठ के चिड़िया नू पानी पाओ पशुओं की संभाल करो डंगर पशु की बंदियां की, हुण गर्मी आई रोड़ों ते सारे जने अपने सेवादार खड़े होकर सब नू पानी पिलाएंगे ठंडा कर करके, तो पिता जी तो बहुत सत्कार करते हैं सब दा जरूरत है उन्होंने संत जी की समाज संत जी की तो इन्नी जरूरत है उनका कोई बयान नहीं कर सकते, सारी संगत इन्नी आ चिट्ठी आई सी शहनशाह की सुन के इन्नी खुशी भी हुई तो विराग भी आया, विराग इन आया कि पिता जी आए हुए श्री गुरु ग्राम विच 21 दिन रहे असी दर्शन नहीं कर सके, साढ़े शहनशाह जी भी तरसते चले गए तो असं भी इतने तरसते रह गए स
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਪੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। छोटे छोटे कल मेरे कहते पिता जी को अब्बू जी को चिट्ठी डाली थी, पोता है 8 साल का, कहता अब्बू जी को चिट्ठी डाली थी, मेरी चिट्ठी क्यों नहीं पहुंची, जल्दी है लेके आओ अब्बू जी को, मैंने दर्शन करने हैं। बहुत रोया और बहुत, और कैसे उनको दिलासा दे, छोटे छोटे बच्चों का अभी तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, कहता मैं 3 साल का तो था जब अब्बू जी के मेरे को नाम क्यों नहीं बुलवाया। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग यही करेंगे, हमारे गुरु जी को, हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी भेजे, जो हम उनके चरणों की धूल बन जाए, हमारे को दर्शन दे दे, और दुनिया सारी सारी तड़प रही है, इतनी तड़प रही है कोई बयान नहीं, आधी दुनिया तो बीमार पड़ी है पिताजी के वियोग में, हमारे को बहुत तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, लाखों क्या कहते हैं श्वास वास हम तड़प रहे हैं, हमारे को जल्दी से जल्दी दर्शन दे, और सरकार के पास अपील है कि हमारे गुरु को जल्दी भेजे, हमारे से कोई गलती गुनाह ही तो हमारे को माफ़ करो, पिताजी तो हमारे 1,00,000% सच हैं और सच रहेंगे, यही गुरु हैं हमारे, यही थे, यह हैं, यही रहेंगे, हम इनके हैं, हम इनके ही बन के रहेंगे, बस शहनशाह से यही अपील है हमारे गुरु को जल्दी से जल्दी भेजे और सिंहासन पे आए, विराजमान होए संग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरीके से रो रो के पब्लिक अपील कर रही है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बेगुनाही का ये सबूत दे रही है, इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे धर्मों का सत्कार करते हैं डेरा सच्चा सौदा में, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सब धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जहाँ उनके बारे में बोला जा रहा है, ये जनता की आवाज़ बोल रही है, ये लोग रो रो के अपना दर्द बयां कर रहे हैं जनता के सामने, आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, फैक्ट्स के साथ अफेक्ट टाइम में, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।